एक सक्सेस यूट्यूबर बनने के लिए ये जरूरी होता है कि जो भी वीडियोस आप अपलोड करते हैं वो अच्छे तरीके से एडिट होना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं, क्या आप समझाना चाहते हैं, देखने वाला आसानी के साथ समझ जाए, इस तरीके से आपका वीडियो एडिट होना चाहिए। YouTube पे 90% से ज़्यादा जो यूट्यूबर्स होते हैं वो कान मास्टर एप्लीकेशन का यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन में वो सारे फीचर मिल जाते हैं जो एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में होना चाहिए। सूरज, मैं हूँ इंजीनियर राजा और मैं आज आपको इस वीडियो में कान मास्टर एप्लीकेशन से कंप्लीट वीडियो एडिट करके बताऊंगा। मेरा आपसे वादा है कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो कुछ लंबा होगा मगर आपको इस वीडियो में प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। अगर आप प्रॉपर नॉलेज गेन कर लेते हैं इस वीडियो में तो मेरा आपसे वादा है कि इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल पे कान मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस नज़र आएगा। अब सबसे पहले आपको ऑप्शन यहाँ मिल जाता है शॉप का, तो शॉप पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ मिलेगा आपको इफेक्ट, एनिमेशन, ओवरलेस, टेक्स, तो आप इसको इसमें से विदाउट कॉपीराइट अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। बहुत सारे वीडियो में देखे होइएगा कि आपको जो काउंटडाउन वगैरह चलते रहता है तो वो यहीं से डाले रहता है, तो आप भी अपने प्रोजेक्ट में काउंटडाउन डाल सकते हैं। जैसे काउंटडाउन चलते रहता है, जैसे 10, 9, 8, 7, 5 ऐसे करके, तो इस तरीके से यहाँ भी कुछ इस तरीके से ये काउंटडाउन चलता है, तो इसको आप अपने प्रोजेक्ट में विदाउट कॉपीराइट आप यूज कर सकते हो। तो अगला जो ऑप्शन है यहाँ पर देख रहे हैं सेटिंग का, सेटिंग वीडियो एडिटिंग के लिए इतना खास नहीं है तो हम बैक आ जाते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट है बड़ा वाला जो आइकन नज़र आ रहा है प्लस वाला, वो वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस नज़र आता है। अब लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर में 69 का, तो ये आपको यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं तो इसके लिए है। अगर आप अपने मोबाइल के लिए बना रहे हैं तो 9:16 का रेशियो अगर चूज कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम के लिए बना रहे हैं तो 1:1 का। अगर आप फेसबुक के लिए बना रहे हैं तो 4:3 का। ट्विटर के लिए बना रहे हैं तो 3:4 का। अगर आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के लिए बना रहे हैं तो 4:5 का। अगर आप वीडियो बना रहे हैं, कोई मूवी वगैरह शूट कर रहे हैं DSLR कैमरा वगैरह से, तो 2:35:1 का रेशियो चूज कर सकते हैं। तो सिंपली हम यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं तो सिंपली हमको चूज करना पड़ेगा 69 का, तो चलिए हम ये वाला रेशियो चूज कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए कि आपको जो है टाइमलाइन यहाँ पे आके ओके हो गया। अब यहाँ मीडिया का ऑप्शन है, मीडिया में जाके आप वीडियो, इमेज कोई भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो सिंपली हम मीडिया पे ओके कर, तो यहाँ से हम कोई भी वीडियो, इमेज, ऑडियो हम अपने वीडियो में, प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं जिसको हम एडिटिंग करना चाहते हैं। तो जिसको भी लगाना चाहते हैं आप उसमें से चूज कर लीजिएगा। मैं यहां से चूज कर लेता हूं। तो चूज करने के बाद अप्लाई, यहां राइट का क्लिक करके यहां पे अप्लाई कर लेंगे। ये देखिए आपका जो यहां पे टाइमलाइन में ये आ चुका है। अब यहाँ पर आप अपने वीडियो के जो स्टार्टिंग में जो यहाँ पर देख रहे हैं कुछ अनसेसरी पार्ट जो होता है जो आपके वीडियो में होता है उसको आप डिलीट करके कैसे हटाएंगे। इसके बाद लास्ट में भी होता है कुछ अनसेसरी पार्ट हो जाता है, कुछ गैर जरूरी पार्ट हो जाता है जिसको आप एडिटिंग करके हटाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ अनसेसरी पार्ट है तो इसको मैं आपको डिलीट करके बताऊंगा। तो सिंपली आप पहले वीडियो पर ओके करेंगे। यहाँ पर ओके करने के बाद यहाँ पे आपको सीजर का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर देखिए सीजर का ऑप्शन है, सीजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको ट्रिम टू लेफ्ट प्ले हेड, ट्रिम टू राइट प्ले हेड, स्प्लिट प्ले हेड और कुछ इस तरीके से ऑप्शन है। तो यहाँ ट्रिम और स्प्लिट है, मतलब ट्रिम का ऑप्शन ये होता है कि अगर आप कोई वीडियो के जो शुरू में अगर कुछ अनसेसरी पार्ट है जैसे यहाँ पर देख रहे हैं तो इसको आप ट्रिम करके आगे से और यहाँ पीछे से ट्रिम करके हटा सकते हैं। स्प्लिट का ऑप्शन है कि अगर कोई बीच में कोई
एक्सेसरी पार्ट है जिसको आप गलत बोल दिए हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि स्प्लिट एट प्ले हेड, तो सिंपली स्प्लिट एट प्ले हेड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कट हो चुका है, एड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए कि यहाँ से कट हो चुका है। अब जहाँ से जहाँ के बीच में हटाना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे और सिंपली सीजर पर जाएंगे, यहाँ स्प्लिट करेंगे और ये आपका बीच का पार्ट ऐसे यहाँ से इसको आप राइट क्लिक करके यहाँ से आप सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो इस तरीके से आपका जो है स्प्लिट का काम होता है। अब आपका काम हो गया कि यहाँ पर ये जो है ट्रिम का, ट्रिम के अगर देखिए कुछ अनसेसरी पार्ट होता है, जैसे यहाँ स्टार्टिंग में अनसेसरी पार्ट है तो इसको कैसे डिलीट करेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ देखिए यहाँ पर अनसेसरी पार्ट है तो यहाँ से हम इसको डिलीट करेंगे, यहाँ से हम यहाँ पर आके क्लिक, इसके बाद यहाँ पे जाएंगे सीजर पे, इसके बाद यहाँ पर देखिए कि ट्रिम टू लेफ्ट प्ले हेड में इस पर क्लिक करेंगे, देखिए आगे का पार्ट ये गैप हो चुका है। तो इसी तरीके से आप ट्रिम का यूज कर सकते हैं। इसी में देखिए हम लास्ट में आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ अनसेसरी पार्ट है तो मैं यहाँ से इसको ऐसे रखता हूँ और यहाँ से देखिए मैं इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ आप सीजर पर जाएंगे, यहाँ देखिए ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए कि राइट साइड का ये गैप हो चुका है। तो इसी तरीके से ट्रिम का और स्प्लिट का यूज होता है। अगर आपको बीच में कहीं और कुछ लग रहा है कि गलत है तो इसी तरीके से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सीजर पर जाएंगे, स्प्लिट करेंगे और जहाँ से जहाँ के बीच में लग रहा है गलत है तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, सीजर पर जाएंगे और स्प्लिट एट प्ले हेड पर क्लिक करेंगे, राइट पर ओके करेंगे, बीच का पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा, इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भी हमको कुछ गलत डिलीट हो गया है तो सिंपली यहां पर देखें रीडू का ऑप्शन है, अंडू का ऑप्शन है, अंडू पर जाके आप जो भी, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप अंडू का ऑप्शन है, अंडू का ऑप्शन में से ऐसा लग रहा है कि नहीं हम कुछ गलत कर दिए हैं, इसको हमको वापस लाना चाहिए, तो आप यहाँ पे अंडू पे जाके इस तरीके से अंडू करके इसको हम ला सकते हैं। देखिए मेरा ये पूरा जो मैं पहले था जिस तरीके से, इस तरीके से मेरा ये वीडियो पहले की तरह यहाँ पे वापस आ चुका है। अगर हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पे देखेंगे नीचे रीडू, रीडू पर करने के बाद हम वीडियो के लास्ट में चले जाएंगे, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं सब यहाँ पर करेंगे तो देखिए वीडियो हम लास्ट में आ जाते हैं, तो ये रीडू का ऑप्शन होता है। अगर वीडियो इसे करेंगे तो हम वीडियो के लास्ट में आ जाएंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर वीडियो पर सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि सेकेंड वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। आप कहीं देखिए होगा कि कोई वीडियो के शुरू में जूमिंग होता है फिर जूम आउट होता है तो वो यहीं से किया जाता है। जैसे हम कुछ पार्ट को हम जूम करके आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसके लिए आपको वीडियो को यहाँ राइट करेंगे, यहाँ पर आप जितना भी पार्ट को जूम करना चाहते हैं यहाँ पर सेलेक्ट करके पहले सीजर पर जाएंगे, इसको प्ले हेड पर स्प्लिट टू प्ले हेड हट करके इसको स्प्लिट कर लेंगे। अब ये देखिए डिलीट हो चुका है। अब जितना पार्ट को आप जूम करना चाहते हैं सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ सेकेंड वाले ऑप्शन पर जाएंगे, इसको चूज करेंगे और वीडियो को इस तरीके से आप जूम कर लेंगे, जितना भी आप पार्ट को जूम करना चाहें इस तरह से जूम कर लेंगे, राइट क्लिक करके ओके करेंगे। अब लास्ट वाले पार्ट पर आएंगे, इस तरीके से वीडियो को सेलेक्ट करेंगे, सेकेंड वाले ऑप्शन पर जाएंगे, अब इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर राइट पर ओके कर देंगे। अब देखिए मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ से देखिए प्ले करके दिखा देता हूँ, तो आपने देखा कुछ इसी तरीके से इसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन मैं इसको अंडू कर लेता हूं। अब अगला ऑप्शन है, यहां पर वीडियो को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहां पर देखिए वॉल्यूम का ऑप्शन है, यहां पर अपने वॉल्यूम को ज़्यादा या कम कर सकते हैं, जितना भी अपने वॉल्यूम का आवाज़ बढ़ाना चाहते हैं। जैसे आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं उस टाइम कुछ कम हो जाता है तो आप यहीं से वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, इस तरीके से वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर 150 कर देता हूँ, अब मैं इसको आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको प्ले करता हूँ, तो इस तरीके से आप अपने वीडियो को वॉल्यूम को आवाज़ ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पर देखिए कि ऑडियो वॉल्यूम का ऑप्शन है, इसको आप ऑन करेंगे। आपने बहुत सारे वीडियो में देखिए होइएगा कि आपको कोई जो हेडफोन होता है उसमें सिर्फ राइट ही आपको आवाज़ सुनाई देता है, तो इस तरीके से आप इसको राइट कर देंगे तो आपको हेडफोन में सिर्फ राइट ही साइड में सुनाई देगा। आपको कोई कोई वीडियो में देखते होइएगा कि सिर्फ लेफ्ट ही साइड में होता है तो सिंपली इसको आप इस तरीके से लेफ्ट कर देंगे तो वो लेफ्ट ही में ही सुनाई देगा। अगर आप लेफ्ट और राइट दोनों में सुनना चाहते हैं तो इस तरीके से लेफ्ट करेंगे और राइट करेंगे और इस तरीके से लेफ्ट करेंगे तो आपको लेफ्ट और राइट दोनों में सुनाई देगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि पिच का ऑप्शन है, ये आपके आवाज़ को पतला मोटा करने के लिए होता है, इस तरीके से करेंगे तो पतला, इस तरीके से मोटा करेंगे। तो मैं इसको आपको माइनस करके दिखा देता हूँ, इसके बाद मैं इसको प्ले करता हूँ आवाज़ कम करके, इसको मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। सो इस तरीके से आप इस आवाज़ को ज़्यादा, अब मैं इसको थोड़ा पूरा फुल करके आपको फिर मैं इसको दिखा देता हूँ कि इसका आवाज़ को कितना चेंजिंग आ चुका है।
तो इस तरीका से ये वॉल्यूम का आप चेंज आवाज़ कर सकते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, आप जो क्लिप ग्राफिक्स का, इस पर क्लिक करके अपने जो वीडियो है उसमें आप जो कुछ एनिमेशन वगैरह डाल सकते हो। जैसे यहाँ पर ढेर सारा एनिमेशन है, आप इसको आप अपने वीडियो में डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर आपको कुछ एनिमेशन यहाँ पर मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको अपने वीडियो के बीच में कोई अनसेसरी पार्ट होता है उसको आपको काट के हटाते हैं तो उसको बीच में यहाँ पर ग्राफिक्स लगता है। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ आपको ट्रिम करके कट कर दिखा देता हूँ। अब इस पर आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और इसमें से जो भी आप ट्रांजेक्शन इफेक्ट लगाना चाहते हैं इसमें से आप सेलेक्ट करके ट्रांजेक्शन इफेक्ट लगा सकते हैं। तो इसीलिए इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। सेंटीमेंटल पर ओके करेंगे और यहाँ पे सेंटीमेंटल के चलिए मैंने दूसरा मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ मैं यहाँ पे सेंटीमेंट वाला जो ऑप्शन इस पर ओके करता हूँ। यहाँ पे देखिए इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये आपका वीडियो में इस तरीके से ये अप्लाई हो, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से ये अप्लाई हो जाता है। इसके बाद अगला ऑप्शन है, चलिए मैं इसको अंडू कर देता हूँ। इसलिए आपको यहाँ पे अंडू बजाइएगा, इस तरीके से इसको अंडू कर दीजिएगा तो ये आपका गायब हो जाएगा। तो इसके ये फिर यहाँ पर जाएंगे और बस क्लिप्स वाले पर ओके करेंगे। अगर आप अपने पूरे वीडियो में आप जो है ग्राफिक लगाना चाहते हैं तो सिंपल सेंटीमेंटल पर ओके करेंगे और यहाँ पर सेंटीमेंटल पर ओके करके अपन देखिए आपके पूरे वीडियो में यह अप्लाई हो जाता है। तो जैसे मैं प्ले करता हूँ तो देखिएगा ये पूरे वीडियो में। तो इस तरीके से जो है ग्राफिक का यूज होता है। आप इसमें से ग्राफिक में से आप जो भी जिस भी अप्लाई कीजिएगा वो आपके वीडियो में अप्लाई हो जाता है। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे आपका स्पीड का। अगर आपके वॉल्यूम में कभी कभी जो कॉमेडी वीडियो देखते होएगा उसमें कुछ ज़्यादा स्पीड होता है आपके, तो इस तरीके से यहाँ से ये इसका स्पीड बढ़ाया जाता है और यहाँ से जो है इसका स्पीड घटाया जाता है। तो अपने वीडियो का इसमें से आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, स्पीड घटा सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन जो इसमें आपका आ जाता है रिवर्स का। रिवर्स का ऑप्शन ये है कि आपका वीडियो जो कोई उल्टा होता है और जो अभी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं या कुछ होता है तो आप ये इसका जो रिवर्स कर दीजिएगा तो ये वीडियो आपका जो लास्ट से चलना स्टार्ट हो जाएगा, न कि शुरू से। बहुत सारे ऐसे वीडियो हो जाता है जिसको आप देखते हुए होइएगा कि ये वीडियो लास्ट से स्टार्ट होता है न कि शुरू से। तो ये रिवर्स का यही मतलब होता है। रिवर्स में आपका यही लास्ट से प्ले होकर दिखाएगा। देखिए ये वीडियो को मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ तो ये लास्ट से प्ले होगा। तो ये देखिए ये वीडियो अब लास्ट से प्ले हो गया है। तो इस तरीके से वीडियो लास्ट से प्ले होता है। चलिए मैं इसको अंडो कर देता हूँ। अंडो करने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ। तो इसी तरीके से इसमें आपको ढेर सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है आपको यहाँ पे रोटेट एंड मिरर का। कभी कभी आपने वीडियो शूट करते हुए अगर तो आपको जो इमेज है वीडियो है उल्टा शूट हो जाता है तो इस तरीके से इसको आप मिरर कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी वीडियो को आप मिरर कर सकते हैं और इस तरीके से यहाँ पर इसको आप यहाँ से अपने जाकर वीडियो को आप रोटेट भी कर सकते हैं अपने वीडियो को अगर रोटेट हो गया हो तो। अगला ऑप्शन यहाँ इसके बाद यहाँ राइट पर क्लिक कर देंगे। अगला ऑप्शन यहाँ पर आपका आ जाता है कलर फिल्टर का। तो आप अपने वीडियो में जो भी कलर वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे, आपके वीडियो में देखिए कलर अप्लाई हो गया है। जैसे आप राइट पर क्लिक करेंगे इस तरह से आप जिस पर क्लिक करेंगे तो वो आपके पूरे वीडियो में ये कलर फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे चलिए मैं आपको अगला बता देता हूँ एडजस्टमेंट का। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ ब्राइटनेस अपने वीडियो को ज़्यादा कम कर सकते हैं। यहाँ कॉन्ट्रेस्ट का है, अपने वीडियो का कॉन्ट्रेस्ट ज़्यादा कम कर सकते हैं। यहाँ सेचुरेशन का है, सेचुरेशन पे जाके अपने वीडियो के सेचुरेशन घटा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद ओके करेंगे। इसके बाद मैं आपको अगला ऑप्शन बताता हूँ इक्वलाइजर का, EQ। यहाँ पर देखिए कि AM है, बूस्ट वगैरह, तो यहाँ पे यहाँ AM और बूस्ट वगैरह यहाँ पे आपका लग जाते हैं। जीप वगैरह रखना चाहते हैं, बूस्ट वगैरह रखना चाहते हैं तो इस तरीके से आपके वीडियो में आपका EQ काम करता है। तो इस तरीके से अपना वीडियो में EQ इक्वलाइजर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है अगला ऑप्शन आ जाता है यहाँ वॉल्यूम इनवॉल्व का। नाम से ही पता चलता होगा कि वॉल्यूम इनवॉल्व है। जैसे अगर आप आपका कोई वीडियो आप देखते होइएगा कि शुरू में एकदम से आवाज़ ज़्यादा होता है, कि कभी हम वीडियो में बोलते हैं तो आवाज़ ज़्यादा होता है, अगर हम चुप हो जाते हैं तो बैकग्राउंड म्यूजिक ज़्यादा हो जाता है, तो वो यहीं से होता है। तो आप इसको यहीं से घटा बढ़ा सकते हो। जैसे बहुत सारे वीडियो आप देखते भी होइएगा कि ये जब बोलता है तो वॉल्यूम बैकग्राउंड वॉल्यूम कम हो जाता है और जब चुप हो जाता है वीडियो में आवाज़ तो बैकग्राउंड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो आप यहीं से अपना भी वीडियो में वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। इस जहाँ से बढ़ाना चाहते हैं इसको यहाँ से प्ले हेड को रखेंगे, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, इसको जहाँ से जहाँ तक आप अपने वीडियो की आवाज़ को घटाना बढ़ाना चाहते हैं यहाँ प्ले हेड को ला कर रखेंगे, यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ प्ले हेड को इस तरीके से रखेंगे, अब जहाँ भी अपनी वीडियो की आवाज़ घटाना बढ़ाना चाहते हैं इस तरीके से घटा सकते हैं और इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर आप शुरू में अपने वीडियो का आवाज़ घटाना बढ़ाना चाहते हैं यहाँ कर्सर यहाँ रखेंगे, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप
कर्सर प्लेहेड को रखेंगे और इस तरीके से अपने आवाज़ को घटा बढ़ा सकते हैं। तो आप जहाँ जहाँ कर्सर लेके जाएगा देखिएगा इस तरीके से आपका आवाज़ है घटता बढ़ता जाएगा। तो ये होता है वॉल्यूम इन्वॉल्व का कमाल। इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर आपका आ जाता है रिवर्स रिवर्ब का। रिवर्ब का ऑप्शन ये होता है कि आपके जो आवाज़ में कोई भी चर्च का आवाज़ अपना वीडियो में डालना चाहते हैं तो यहाँ चर्च डालेंगे, गुफा का डालना चाहते हैं गुफा का अप्लाई कर देंगे। इस तरह से अगर हॉल डिले का करना चाहते हैं तो हॉल पे कर देंगे। स्टूडियो का आवाज़ अगर आप चाहते हैं कि आपके वीडियो में स्टूडियो का आवाज़ वगैरह हो तो सिंपली इसी तरीके से रिवर्ब पे जाके आप स्टूडियो का अप्लाई कर सकते हैं। रिच का, कॉन्टेस्ट का, चर्च का, जो भी अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्टूडियो पर क्लिक करके आपको दिखा, देखिए मैं ये इसको स्टूडियो पर ओके किया, मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ तो ये स्टूडियो की आवाज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी आवाज़ को जो भी चाहे आप मोटा पतला कर सकते हो। इसके बाद अपना अगला आ जाता है वॉइस चेंजर का। नाम से ही पता चल रहा होगा कि वॉइस चेंजर का मतलब कि वॉइस चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे एलियन की आवाज़ डाल सकते हो, एलियन का, क्रिसमस का, चर्च का, बहुत सारा ऑप्शन है जिसको आप यहाँ से आवाज़ डाल सकते हो। जैसे आप बच्चा का आवाज़ डालना चाहते हो तो बच्चा का डाल देंगे। अगर आप मेन का आवाज़ डालना चाहते हो तो मेन पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से अगर आप कोई ओमेन का आवाज़ डालना चाहते हो तो ओमेन पे क्लिक करेंगे, वो ओमेन की आवाज़ की तरह यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, वो अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे आपका वेंटिलेट का। वेंटिलेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको देख सकते हैं कि आपके वीडियो के चारों साइड में डार्क आ चुका है। तो ये वेंटिलेट का कमाल होता है, आपके वीडियो के चारों साइड में यहाँ पे डार्क आ जाता है। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है एक्सट्रैक्ट ऑडियो का। ये जब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी आप देखते हो कि आप अगर वीडियो बनाते हैं आप तो आपका आवाज़ मोबाइल, अगर आप वीडियो बनाते हैं तो कैमरा से शूट कर रहे होते हैं और आवाज़ आप मोबाइल वगैरह से शूट करते हैं, तो वो अगर चाहते हैं कि मेरे वीडियो वाला आवाज़ नहीं हो, मैं जो अलग से शूट किया हूँ जो मोबाइल के द्वारा या कैमरा के द्वारा जो आवाज़ शूट किया हूँ वो लगाओ, तो इस तरीके से अपने वीडियो से आवाज़ को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके हटा सकते हैं और अलग से जो भी आवाज़ आपने बनाए हुए हैं वो यहाँ पे आप ला के ऐड कर सकते हैं। तो जो भी बनाए हुए हैं एक्सट्रैक्ट पे जाके इसको आप अलग कीजिएगा, इसके बाद इसको सिंपली सेलेक्ट करके यहाँ से आप इसको डिलीट कर दीजिएगा तो आपके वीडियो से आवाज़ ये डिलीट हो जाएगा। तो एक्सट्रैक्ट का कमाल ये होता है, इस तरीके से आप अपना एक्सट्रैक्ट का आवाज़ आप चाहे तो इसको हटा सकते हैं और चाहे तो रख भी सकते हैं, दूसरा भी आप इसमें अपना आवाज़ रख सकते हैं। तो आपने इतना तक तो समझ गए होंगे कि इससे क्या क्या होता है। अब दूसरा ऑप्शन आ जाता है आपका लेयर का। लेयर में जैसे आपका ये तो अभी मेरा एक लेयर है वीडियो का, मैं इसके नीचे इमेज लगाऊँ, अपना कोई भी पिक वगैरह लगाऊँ, कुछ भी लगाऊँ तो ये लेयर में आ जाता है। तो इसको आप लेयर में नीचे लगा सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लेयर पर जाएंगे और पहले ऑप्शन आ जाता है मीडिया का। तो मीडिया पर क्लिक करके जहां भी आपका फोटो वगैरह लोगो वगैरह रखे हुए हैं इस तरीके से आप अपना बहुत ही आसानी से अपना फोटो लोगो इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और जहां भी रखना चाहते हैं लोगो इस तरीके से आप अपना लोगो को इस तरीके से रख सकते हैं या जिधर चाहे इस तरीके से अपना लोगो को इस तरीके से उठा के रख सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन इसमें आ जाता है, अगर आप इसको इतना ही रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, तो इसको पूरे वीडियो में इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको यहाँ ओके कर देंगे, इसको सेलेक्ट करके यहाँ देखते हैं इन एनिमेशन अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ ये इस तरीके से आपका लोगो। सो इस तरीके से पूरे वीडियो में अपना जो बैकग्राउंड इमेज वगैरह रखे हुए उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे वीडियो देखिए होइएगा कि यहाँ पे कुछ पिक वगैरह रखा रहता है तो वो भी यहीं से जाके वो किया जाता है। पहले मैं इसको ओवर एलिमिनेशन वगैरह समझा देता हूँ। तो पहले एनिमेशन में यहाँ पर देख रहे हैं कि अपना जो भी आपका चैनल का लोगो वगैरह है इसको यहाँ से सेलेक्ट करके आप बहुत ही आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये आपका अगला ऑप्शन है ओवर एनिमेशन का। ओवर एनिमेशन पर देखिए, ओवर एनिमेशन में जैसे भी आप करेंगे उस तरीके से आपका ये आपका जो लोगो लगा रखे हैं वो इस तरीके से आपका लोगो आपका काम करेगा। तो ये होता है आपका ऑटो ओवरले एनिमेशन का कमाल। इसके बाद इसको राइट करेंगे, इसका सिंपली इसको सेलेक्ट करके यहाँ देखेंगे ऑटो एनिमेशन। तो इस तरीके से आप ऑटो एनिमेशन के लिए भी आप लगा सकते हैं। अगर आप लगाना चाहते हैं तो सिंपली शुरू में आपका इन होगा तो आपको कुछ इस तरीके से होगा, इन एनिमेशन पर जाके ऑटो एनिमेशन पर जाके इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे तो जो भी सेलेक्ट करेंगे और जब भी वीडियो बंद होगा तो वो इस तरीके से वो जैसे अभी यहाँ पर हो रहा है उस तरीके से होकर वो
ये हट जाएगा। तो ये होता है एनिमेशन ऑटो एनिमेशन का कमांड। इसके अलावा यहाँ पर लेयर पर जाएंगे, लेयर पर जाने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि इफेक्ट का, इस पर क्लिक करेंगे। बेसिक इफेक्ट पर क्लिक करके आप ब्लर भी कर सकते हैं, जैसे कोई चीज़ का ब्लर करना चाहते हैं, जैसे नंबर वगैरह कुछ हाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ मोसिस पर ब्लर पर जाके आप जितना का भी ब्लर करना चाहते हैं इस पर सेलेक्ट करेंगे, और इस तरीके से जितना भी ब्लर करना चाहते हैं आप राइट को ब्लर कर सकते हैं, और इसको इस तरीके से सेलेक्ट करके इसको आप ऐसे घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो ये होता है वो ब्लर का कमांड। इस तरीके से आप ब्लर को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आप इसमें ऑप्शन है, जैसे मैं यहाँ पर लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे, और जो भी अपने यहाँ पर मैं वार कोड डाल के दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप वार कोड को जहाँ भी चाहे रख सकते हैं। तो बहुत सारे वीडियो में देखे होइएगा कि आपको अगल बगल में कुछ इमेज वगैरह नजर आता होगा, तो वो यहीं से करता है, कोई भी जो यूट्यूबर करता है तो वो यहीं से इसको एडजस्टमेंट कर लेता है इस तरीके से। इसके अलावा अगर आपका अगला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर देखें, ओवरलेस का, इस पर टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है, तो टेक्स्ट पर जाके आप टेक्स्ट भी वगैरह लिख सकते हैं। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जूम, तो इस तरीके से आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसको साइज को किस तरीके से बढ़ा घटा सकते हैं, तो यहाँ से आप इसको साइज को बढ़ा घटा सकते हैं। इसका कलर वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आप रखना चाहें जिस तरीके से आप कलर को चेंज कर सकते हैं। तो ये होता है, यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन होता है कि आपका फ्रंट का, इसका फ्रंट चाहे मोटा पतला जो भी साइज में करना चाहते हो, इसको यहाँ पर भर भर के दिया हुआ है, जो भी आप रखना चाहें यहाँ पर देखिए हो चुका है। ये होता है आप इसको जितना भी चाहें उतना आप इसको पूरे वीडियो में अप्लाई कर देंगे। इसको यहाँ पर क्लिक करके आपको जो भी और कलर चाहिए वो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ओके करेंगे। ये होता है आपका जो इसका ये कमल। यहाँ पर देख रहे हैं कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है अल्फ़ा का। अल्फ़ा का ऑप्शन ये होता है कि अपने वीडियो को या जो भी यहाँ पर जो लिखे हुए हैं इसको आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद आपको यहाँ पे अगला ऑप्शन आ जाता है, जैसे यहाँ पे अगर इसको कोई बोल्ड वगैरह देना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि टेक्स्ट, इसको आप लेफ्ट राइट जहाँ भी करना चाहते हैं, ऊपर नीचे या अंडरलाइन करना चाहते हैं इस तरीके से, या देखें अंडरलाइन हो जाता है, तो इस तरीके से इसको ऑप्शन ये होता है। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है आउटलाइन हो, जैसे यहाँ पर इसको ओके कीजिए, देखिए ये जो हम लिखे हुए हैं इसके अंदर आउटलाइन हो चुका है, और जितना भी भरा घटारा बनाना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद इसी तरीके से और भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पर देखिए शेडो का ऑप्शन है, शेडो इसको ओके करेंगे, यहाँ पे जितना भी शेडो देना चाहें देखिए वो दे सकते हैं। इसके बाद इसी तरीके से आपको और ढेर सारा यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पर जैसे शेडो का है, ग्लो का है, बैकग्राउंड में अगर कुछ आप देना चाहते हैं यहाँ पे देखिए इस तरीके से बैकग्राउंड आप घटा बढ़ा सकते हैं। अगर पूरा में चाहते हैं अप्लाई हो बैकग्राउंड, तो इस तरीके से आपका पूरा में अप्लाई हो, अगर जब चाहते हैं थोड़ा में हो तो इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके बैकग्राउंड में। और बैकग्राउंड का आप कोई भी यहां से कलर भी इसको चेंज कर सकते हैं। जहां तो बैकग्राउंड में जाएंगे, बैकग्राउंड में जाने के बाद यहाँ से आप कोई भी कलर आप देना चाहें तो यहाँ पर आप बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड का कलर चेंज हो चुका है। तो ये होता है आपका बैकग्राउंड का कमाल। और बहुत सारे वीडियो में ये सब देखते हुए कि लगा हुआ रहता है, ये सब जो आवार कोड या कुछ भी जो फोटो वगैरह लगा रहता है, तो वो यहीं से आके वो आप सिंपली यहाँ पर लेयर पर जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, और जो भी अगर लगाना चाहे तो वो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से चूज करके जो भी वगैरह लगाना चाहे, जैसे मैं यहाँ पर और लगा कर दिखा देता हूँ, तो वो यहाँ से इसको लगाते हैं। तो ये जितना भी आपको अप्लाई करना चाहिए तो वो यहाँ से वही अप्लाई कर देता है। तो इसी तरीके से आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अगर बीच में अगर कुछ आप इंट्रो वगैरह लगाना चाहते हैं, तो सिंपली इंट्रो वगैरह लगाने के लिए आपको सिंपली इस पर जहाँ भी लगाना चाहते हैं तो इस पर इस कर्सर रखेंगे, इस पर ओके करेंगे, यहाँ पे जाएंगे सीजर पे, यहाँ पे स्प्लिट करेंगे, और ये देखिए आपका यहाँ पर कट हो चुका है। यहाँ मीडिया में जाइएगा, मीडिया में जाने के बाद सिंपली जहाँ भी अपना जो इंट्रो रखे हुए हैं इंट्रो को आप इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, और देखिए आपका ये इंट्रो आ चुका है। तो इस तरीके से आप इंट्रो लगा सकते हैं। चलिए मैं इसको आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने वीडियो के बीच में इंट्रो लगा सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो बना हुआ तो इस तरीके से आप वीडियो में सेलेक्ट करके इस तरीके से आप इंट्रो लगा सकते हैं। और अगर चाहे तो इसके बीच में आप कुछ एनिमेशन भी डाल सकते हैं। इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद जो भी आप एनिमेशन डालना चाहें तो वो आप एनिमेशन आप इसमें से चूज करके डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये 3D वाला डाल के दिखा देता हूँ। अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूँ जो मैं अभी डाला हूँ। सो इस तरीके से आप प्ले कर सकते हैं।
चलिए मैं दूसरा कोई और इसमें आपको एनिमेशन आपको यहाँ पे डाल के दिखा देता हूँ, मैं फन डाल के दिखाऊंगा यहाँ पे। तो ये देखिए मैं यहाँ पे डाल दिया और मैं इसको मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन इफेक्ट लगा सकते हैं, इंट्रो लगा सकते हैं और आप इसमें ढेर सारा आपको मिल जाता है, जो भी लगाना चाहिए उसमें लगाना चाहते हैं इसमें से आप चूज करके लगा सकते हैं। कोई भी आप ट्रांजेक्शन लगाना चाहे, इंट्रो लगाना चाहे, तो इसी तरीके से आपको वीडियो में देखते होइएगा तो इसी तरीके से वो भी यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर आपने यहाँ तक तो आपने सब कुछ सीख लिया कि क्या करना है। अब यहाँ पर कुछ देख रहे हैं कि हैंड राइटिंग का ऑप्शन है, तो यहाँ हैंड राइटिंग पर क्लिक करेंगे और कोई भी पार्ट को देखते हैं कि कोई भी स्टूडेंट या वीडियो वगैरह में जो उसको जो हाईलाइट करता है वो यहीं से करता है। तो इस पर इसके लिए आप पेंसिल वाले पे क्लिक करेंगे और जो भी आप यहाँ पर हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर देखिए इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हैं और जितना दूर आप हाईलाइट करना चाहते हैं इसके लिए सेलेक्ट करेंगे, इसको इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। तो ये जहाँ तक अप्लाई कीजिएगा वो पूरे वीडियो में आपका अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसके अलावा बहुत सारा जो है यहाँ पर हैंड राइटिंग का ऑप्शन है, इसलिए लेयर पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे हैंड राइटिंग में यहाँ चूज करेंगे और आप सर्कल रखना चाहते हैं या तीर रखना चाहते हैं, ब्रश रखना चाहते हैं। तो चलिए मैं इस बार ये बड़ा आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए सर्कल वाला आ चुका है। तो इस तरीके से आप जो भी रखना चाहें आप यहाँ पर हाईलाइट करने के लिए कुछ मार्का को, तो इस तरीके से आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप तीर वगैरह इस अप्लाई करने के बाद यहाँ राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, इसका फिर लेयर पर जाएंगे, यहाँ पर हैंड राइटिंग पर जाएंगे, इसके बाद मैं आपको इस पर क्लिक करना करके यहाँ पर तीर वाला मैं दिखाता हूँ कि तीर वाला को कैसे अप्लाई करना। तो इस तरह क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से आप तीर को अप्लाई कर सकते हैं और जहाँ जितना वीडियो में आप अप्लाई करना चाहते हैं पूरे वीडियो में इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से अप्लाई कर देंगे, ये आपको पूरे वीडियो में अप्लाई हो जाएगा। सो इस तरीके से आप अपना जो भी कोई हाईलाइट देना चाहते हैं यहाँ से दे सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे इसको अंडो कर देता हूँ, मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अगर आप भी हटाना चाहो तो यहाँ से बहुत ही समझे जो भी सब आप यहाँ पर रखे होंगे उस सब को यहाँ से अंडो करके हटा सकते हैं। जिस तरीके से अंडो कर दिए सब आपको यहाँ से हट। तो यहाँ तक ने आपने सीखा कि किस तरीके से ये वीडियो को इस तरीके से आप हम एडिटिंग करेंगे, कोई इफेक्ट को कैसे लगाएंगे, इंट्रो कैसे लगाएंगे, अपना जो लोगो कैसे लगाएंगे, कोई पिक वगैरह है कैसे लगाएंगे, टाइटल वगैरह कैसे लिखेंगे। अब जो आपका अगला जो पार्ट आ जाता है वो आ जाता है कि आपने वीडियो का बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करेंगे, हटाएंगे। तो इसके लिए हम नया प्रोजेक्ट लेंगे, इसके लिए हम यहाँ से बैक आएंगे। अब यहाँ पर आपका जो फिर चाहते हैं कि मैं इसी पे वीडियो फिर मैं स्टार्ट करूँ, तो आप इस वीडियो को कोई नाम डाल के रख सकते हैं। सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जूम। तो इस तरीके से आप अपना भी कोई नाम डाल सकते हैं और डाल कर यहाँ डाल करके इसे ओके करके इसको सेव करके रख सकते हैं। सो इस तरीके से आप इसको नाम डाल के रख सकते हैं और आप चाहते हैं कि फिर हम इस पर अभी नहीं काम करें, कुछ देर के बाद करें, आपको कोई काम आ गया इसको छोड़ दिए, तो फिर आप सिंपली इसी पर राइट क्लिक करेंगे। इस तरीके से अपना प्रोजेक्ट फिर से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सेव करने का भी कुछ फायदा होता है, इसको आप सेव करके रख सकते हैं और बाद में ही फिर जब चाहे उसको स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको अगला प्रोजेक्ट करके दिखा देता हूँ कि आप अपने वीडियो का बैकग्राउंड कैसे ग्रीन बैकग्राउंड आपका वीडियो का है उसको रिमूव करके कोई उसके ग्रीन के अलावा कोई और उसमें अपना वीडियो का बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए आपको नया प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, यूट्यूब के लिए है तो सिंपली 16:9 का रेशियो चूज कर लेंगे। इसके बाद वीडियो को बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए आप मीडिया में जाएंगे और पहले बैकग्राउंड को जो भी बैकग्राउंड आप लेना चाहते हैं वो बैकग्राउंड को आप सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया हूँ। बैकग्राउंड पे क्लिक करके जितना भी बड़ा चाहे आप बैकग्राउंड को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर राइट साइड में ओके करेंगे। इसका जो भी वीडियो का आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं लेयर पर जाएंगे, यहाँ मीडिया पर जाएंगे और इसके बाद जहाँ भी वीडियो है वीडियो को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर ओके कर लेंगे। अब देखिए आपका वीडियो इस पर अप्लाई हो चुका है। आप है तो इस तरीके से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं या आप चाहे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सेकंड वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप इसको ओके करेंगे, आपका फुल स्क्रीन पे ये आपका अप्लाई हो जाएगा। सिंपली राइट पर ओके करेंगे, आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके से ये आपका पूरे वीडियो पे अप्लाई हो चुका है। अगर कुछ लग रहा है कि यहाँ पे छोटा बड़ा, तो कुछ इस तरीके से आप इस तरीके से बढ़ा घटा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, यहाँ क्रोमा की का ऑप्शन है, यहाँ पर इसको कर देंगे। अब देखिए कि आपका जो वीडियो का बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। इसके लिए आप सिचुएशन को यहाँ घटा बढ़ा भी सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। इसके बाद मैं बाद में यहाँ पे आपको प्ले करके दिखाता हूँ।
तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये वीडियो का जो बैकग्राउंड है रिमूव हो चुका है। इसको आपको कट करने के लिए, ट्रिम करने के लिए स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, यहाँ देखिए क्रॉपिंग, क्रॉपिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे इसको क्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस पर पहले से इसको अप्लाई कर रखा फुल स्क्रीन पे, मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। इसके बाद आप जितना भी चाहे आप बहुत ही आसानी से इसको आप ट्रिम करके इसको बहुत ही आसानी से कट कर सकते हो। मैं यहाँ पे से इसको ट्रिम कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से, मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। अब इसको आप जहाँ भी चाहे इस तरीके से इसको उठा के छोटा बड़ा कर सकते हो इस तरीके से। चलिए मैं यहाँ पे ओके कर दिया, मैं यहाँ से आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। सो इस तरीके से बहुत ही आसानी से इसको आप कट करके जहाँ भी चाहे इसको इस तरीके से आप छोटा बड़ा जितना भी चाहे इस तरीके से आप यहाँ पे इसको ऐसे ऐड करा सकते हो, और इसको प्ले भी यहाँ करके आप देख सकते हो। सो इस तरीके से अगर चाहे तो इसको बहुत सारा इसमें ऑप्शन है, जो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ सेचुरेशन का ऑप्शन है, इसको जो आप कलर वगैरह का कम बेसी यहाँ पे आप कर सकते हो। इसके बाद और भी यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन है, जहाँ पर रिवर्स वगैरह का जो मैं पहले बताया था यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे और भी यहाँ पे आपका ऑप्शन है रोटेटिंग मिरर का, जो पहले मैं बता दिया हूँ, तो यहाँ से बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है कलर फिल्टर का, रोटेट का। इसके बाद कलर एडजस्टमेंट का, यहाँ पर से कलर एडजस्टमेंट, यहाँ इस तरीके से आप कलर को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से आप चाहे तो इसको कलर भी आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये होता है एडजस्टमेंट का, यहाँ पे इसको आप कर सकते हो। इसके बाद और भी यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन है, जहाँ कलर फिल्टर का, रोटेट का है, एडजस्टमेंट का है, रिक्वायरमेंट इवेल्युएशन, तो इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। ब्लेंडिंग का ऑप्शन है, ब्लेंडिंग पे जाके यहाँ पे अपना जो भी कलर वगैरह चाहते हो इसमें अगर मिक्स हो जाए तो इस तरीके से आप इसको मिक्स कर सकते हो। यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। चल मैं ये यहाँ पर नॉर्मल कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। इसके बाद आप चाहते हैं कि ये जो है हमारा बहुत बड़ा यहाँ पे हो जाए तो इस तरीके से बड़ा कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से इसको प्ले करके भी आप इस तरीके से देख सकते हो। तो इस तरीके से आपका प्ले हो जाता है यहाँ पे। अगर चाहते हो कि मैं इसको ऐसे स्क्रीन शॉट लूँ, सिंपली यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि कैप्चर एंड सेव, इस तरीके से यहाँ पर देखिए कि आपका ये स्क्रीन शॉट हो गया है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको थंबनेल वगैरह बनाऊं, तो बहुत ही आसानी से स्क्रीनशॉट लेके आप थंबनेल वगैरह बना सकते हो। जब यहाँ चाहते हैं कि हम ऐसे वाला को मैं स्क्रीनशॉट लूं, तो सिंपली इस पर रोकेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कैप्चर एंड सेव, इस पर क्लिक करेंगे, ये आपका सेव हो जाएगा और इसको आप थंबनेल वगैरह में बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आप अपने वीडियो ऑडियो का बैकग्राउंड इसको रिमूव कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है आपका, इसमें यहाँ पे आपको जो भी लेयर वगैरह रहेगा इसमें आपका यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपका सेटिंग का ऑप्शन है, इसमें जाइएगा। यहाँ पे आपको देखिए कोई वीडियो होता है वो एकदम से स्टार्टिंग नहीं हो जाता, पहले धीरे धीरे इसका वीडियो स्टार्ट होता है, इसके बाद लास्ट में कम होता है, तो वो यहीं से इसको करता है। तो पहले ऑडियो का आप कर लेंगे, इसको इनेबल कर लेंगे और यहाँ देख रहे हैं कि ऑडियो फेस इन स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, और यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑडियो फेड आउट स्टार्ट ऑफ इंड ऑफ प्रोजेक्ट, इसको भी आप ऑन कर देंगे तो यहाँ से इसका जो ऑडियो का हो जाएगा। वीडियो के लिए क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, इसको भी आप ऑन कर देंगे, और यहाँ देख रहे हैं कि एंड ऑफ प्रोजेक्ट, इसको भी ऑन कर देंगे। इसके बाद ओके करेंगे, इसके बाद यहाँ से प्ले करके आप इसको आप देख सकते हैं। तो मैं आपको प्ले करके यहाँ से इसको दिखा देता हूँ। अब मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ इसको। तो आपने देखा किस तरीके से ये स्टार्टिंग में और शुरू में ये होता है, मैं यहाँ शुरू में आपको भी यहाँ से दिखा देता हूँ, देखिए। तो आपने देखा शुरू में किस तरीके से वीडियो और ऑडियो का अब लाइटिंग भी जाता आता है, आवाज़ भी आता है, और लास्ट का भी ये आवाज़ और वीडियो किस तरीके से कम होते जाता, तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से लास्ट में भी वीडियो और ऑडियो का आवाज़ कम होता है, तो इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी से कम कर सकते हो। इसके अलावा आपको इसमें और ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है एक्सपोर्टिंग का, तो सिंपली आप यहाँ पे एक्सपोर्टिंग वाले पे ओके करेंगे यहाँ पे, तो ये आपको सामने में कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ देख रहे हैं रिजोल्यूशन, यहाँ फुल HD 1080 पिक्सल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर यूट्यूब के लिए आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि HD आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब HD का फुल फॉर्म हो जाता है HD का।
चाहिए हाई डेफिनेशन, तो ये एचडी का फुल फॉर्म हो जाता है 720। इसके बाद 480 भी आप रख सकते हैं। यहाँ पर फ्रेम रेट आप अगर 1080 मेगापिक्सल यूज करते हैं तो 30 रखिएगा, अगर यूट्यूब के लिए आप यूज करते हैं तो 720, और यहाँ पर आपको 24 सिनेमा रख लेना है। इसके बाद यहाँ पर लो हाई अगर इसको कर रहे हैं तो इस तरीके से आपके वीडियो का साइज भी बढ़ जाता है, तो इसीलिए आपको जितना बड़ा इसको बढ़ाइएगा उसका वीडियो का साइज आपका बढ़ जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ 5 पॉइंट कुछ ही रख लेना है, इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देना है। ये वीडियो के साइज पर डिपेंड करता है, आपके जितने बड़ा वीडियो रहेगा उतना टाइम ये एक्सपोर्टिंग होने में लेगा। मैं जो वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव किया हूँ मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। आप भी अपने वीडियो अपने इमेज को बैकग्राउंड को बहुत ही आसानी तरीके से बैकग्राउंड को रिमूव करके यूज अपने प्रोजेक्ट में कर सकते हो। तो मैं आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ प्ले कर देता हूँ। सो इसी तरीके से आप अपने वीडियो हो या इमेज हो बहुत ही आसानी से बैकग्राउंड करके आप अपने प्रोजेक्ट में इसको यूज कर सकते हो, और कहीं भी अपने प्रोजेक्ट में आप इसको बहुत ही आसानी बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। मोबाइल फ़ोन पर कान मास्टर में कौन से फंक्शन से क्या काम होता है आपने जाना और आपने सीखा कि किस तरीके से हम वीडियो को एडिट करेंगे। मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्रोफेशनल तरीके से आप वीडियो को एडिट करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।